ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी वीडियो के अंदर हार्ड लेंस ब्लर इफेक्ट किस तरीके से डाल सकते हो। और गाइस, इस टाइप की वीडियो ना इंस्टाग्राम के अंदर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, तो अगर आप लोग भी इस टाइप की वीडियो बनाओगे तो यार आप लोगों की भी वीडियो वायरल हो सकती है। तो इस वीडियो को किस तरीके से बनाना है आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम इस चैनल पर रोज लेके आते रहते हैं। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। इस एप्लीकेशन का नाम है मोशन निंजा। अगर आप लोगों के पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो गाइस मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा इस एप्लीकेशन का लिंक, जाके वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, टेलीग्राम वाले जितने हैं टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा गाइस, इसको कुछ ओपन करोगे तो, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो गाइस, आप लोगों को प्लस का आइकन दिखेगा सिंपली से, न्यू प्रोजेक्ट वाला। यहां पे सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज आप लोगों के सामने इतने सारे रेशियो शो होंगे, तो यहाँ पे आप लोग जिस भी रेशियो पे अपनी वीडियो को एडिट करना चाहते हो वो रेशियो सेलेक्ट कर लेना। तो मैं इंस्टाग्राम के रील्स का साइज का रेशियो सेलेक्ट करूंगा 9:16, तो क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे गाइज क्रिएट पे मैं क्लिक करूंगा, कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा आप लोगों के सामने, ठीक है। तो गाइज अब हमें क्या करना है कि यहाँ से यहाँ पे देख सकते हो जो प्लस का आइकन है, इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक जैसे ही करोगे गाइज आप लोगों के सामने ना आप लोगों को कैमरा रोल खुल के आ जाएगा, मतलब आप लोगों के सामने देख सकते हो आप लोगों की गैलरी में जितनी भी वीडियोस हैं वो आप लोगों के सामने दिख जाएंगी। तो यहां पर गाइस आप लोग अपनी एक वीडियो को ऐड कर लेना। मैं एग्जांपल के लिए तुषार भाई की वीडियो को ऐड कर लेता हूं। इस वीडियो पे मैं आप लोगों को लेंस हार्ट वाला लेंस ब्लर इफेक्ट डालकर बताऊंगा, ठीक है। और यहां से वीडियो भी देख लो गाइस, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी वीडियो है, कोई भी इफेक्ट वगैरह अभी हम इसमें ऐड नहीं किए हैं। और इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से आप लोग हार्ट लेंस डाल सकते हो, ठीक है। तो गाइज कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो है। अब गाइज किस तरीके से डालना है हार्ड लेंस ब्लर, तो ध्यान से देखना गाइज। जैसे देखो आप लोगों को जहां पे भी डालना है ना वहां पे कुछ इस तरीके से जाना, ठीक है। ये वाला जो व्हाइट डंडी देख रहे हो ना उसके वो वीडियो क्लिप को इसके पास लाना, ठीक है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में डालना चाहता हूँ तो स्टार्टिंग में आ जाता हूँ, ठीक है। अब गाइज आप लोगों को क्या करना है, देख सकते हो सेकंड नंबर में एक इफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, सिंपल से गाइज आप लोगों को इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करोगे गाइज आप लोगों के सामने कुछ इतने सारे यहाँ पे इफेक्ट शो हो जाएंगे, और इधर बहुत सारे गाइज कैटेगरी है इस इफेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे ग्लिच वगैरह सेक इफेक्ट बहुत सारे हैं गाइज इस एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। और भी अलग अलग कैटेगरी के हैं इसमें, फिल्टर वगैरह हर चीज़ है, जो आप लोगों को पसंद वो ऐड कर सकते हो। लेकिन गाइज जो हमारा मेन है हार्ट लेंस ब्लर किस तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए गाइज आप लोगों को क्या करना है, इधर की तरफ आना है कुछ इस तरीके से। और गाइज यहाँ पे ना इसका नाम है ब्लर मीटा, ठीक है। ब्लर मीटा नाम का एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ब्लर मीटा पे आप लोगों को सिंपली गाइज क्या करना है, क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ब्लर मीटा याद रखना, ब्लर मीटा पे जैसे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज देख सकते हो तीन जो यहाँ पे तीन ब्लर इफेक्ट है वो अलग है, क्योंकि ये अभी नया फीचर इसमें ऐड किया इस एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप लोग ये एप्लीकेशन को रखे हो तो आप लोगों को मैं शो नहीं होगा, बिकॉज आप लोग पुराना वर्जन रखे होगे। मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो जाके, वहाँ पे नया वर्जन है, ठीक है। उसमें ये वाला तीनों फिल्टर का इफेक्ट तीनों ब्लर इफेक्ट दिया है इसमें, ठीक है, नया आया है जो। तो अब गाइज आप लोगों को यहाँ पे जो जो सा डालना है वो डाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे तीन ऑप्शन ऐड किया है, एक हार्ट ब्लर है, ठीक है, जो दिल जैसा ब्लर करेगा, मतलब दिल हार्ट शेप में रहेगा, ठीक है। जो ब्लर होता है ना बूके जो दिखता है वो हार्ट शेप में रहेगा। दूसरा है गाइज हमारा स्टार वाला, स्टार शेप में रहेगा। और तीसरा है गाइज हमारा शेप, मतलब डब्बे वाला, डब्बे टाइप से रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे तीनों में से जो डालना है उस पर एक बार क्लिक कर देना। जैसे कि मैं हार्ट ब्लर डालता हूँ तो इस पर एक बार क्लिक कर दूंगा कुछ इस तरीके से। क्लिक करने के बाद गाइज अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ देख सकते हो कोने में एक यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा, ठीक है। तो सिंपली से यहाँ पे क्लिक कर देना है। करने के बाद गाइज यहाँ पे दो ऑप्शन शो होंगे, ब्लर एंड ग्लो। तो गाइज आप लोगों को क्या करना है कि ब्लर जो है ना इसका कम करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं इसको रखना है आप लोगों को, ज़्यादा नहीं 20 के राउंड रखना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसका जो ग्लो है ग्लो को हम बढ़ा के 80% रख देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद गाइज यहाँ से इसको डन कर देना। और डन करने के बाद गाइज इसको जो है ना यहाँ तक जहाँ तक रखना चाहते हो आप लोग वहाँ तक रख लेना। तो मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा, कुछ इतना ही रखूँगा, ठीक है। इतना करने के बाद गाइज मैं इसको यहाँ से डन कर दूंगा। डन करने के बाद गाइज अब यहाँ पे तो हमने डाल दिया, यहाँ पर देख सकते हो वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से हार्ट वाला देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लर इफेक्ट हमने वीडियो पे ऐड कर दिया है। अब गाइज अगर आप लोगों को दूसरा वाला डालना है, ठीक है, तो फिर से आगे आना,
फिर से इफेक्ट पे क्लिक करना, ठीक है। एंड फिर से यहाँ पे आप लोग वही ब्लर मीटा वाला ऑप्शन ढूंढ लेना, ठीक है। तो यहाँ से मैं ढूंढ लेता हूँ ब्लर मीटा, एंड यहाँ पे गाइज अब मैं स्टार वाला डालता हूँ, ठीक है। तो स्टार पे क्लिक करूंगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद गाइज क्या करूंगा, फिर से उसी पे क्लिक करना है जिस पे आप लोगों ने उस टाइम पे क्लिक किया था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज इसका भी ब्लर जो है गाइज इसको भी मैं कम करूंगा, ग्लो थोड़ा सा बढ़ा दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है। बाकी इतना करने के बाद गाइज मैं यहाँ से डन कर दूंगा, और इसको भी जहाँ तक रखना चाहते हो बढ़ाकर रख लेना, ठीक है। देन यहाँ से मैं इसको डन कर दूंगा। तो एंड आई होप गाइज आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, और आप लोग अपनी वीडियो पे किस तरीके से डाल सकते हो बीच बीच में हर शेप का ब्लर इफेक्ट, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा ब्लर इफेक्ट हमने डाला है हार्ट शेप का, ठीक है। तो हार्ट और स्टार का डाला है मैंने, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर देख सकते हो वीडियो को कुछ इस तरीके से प्ले करूंगा। थोड़ा सा गाइज आप लोगों का भी इस एप्लीकेशन के अंदर लैग होगा, ठीक है। बिकॉज यार इसको एक्सपोर्ट जब करोगे ना तो आप लोगों का एकदम मस्त मक्खन की तरह चलने वाला है, ठीक है। बाकी अभी इसमें क्या है ना, थोड़ा हाई क्वालिटी के ये सब इफेक्ट हैं, तो थोड़ा सा लैग होगा आप लोगों का फोन, जैसे यहाँ पे देख सकते हो मेरा हो रहा है, ठीक है। अभी जैसे ही मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा ना तो एकदम मस्त मक्खन की तरह चलने लग जाएगा। अब गाइज आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से डालना है। अगर अभी भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए ना तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, इस पर मैं जरूर से वीडियो बनाऊंगा और आगे, ठीक है। तो अब गाइज फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहाँ से करते हैं एक्सपोर्ट, और यहाँ से इसको हम कर देंगे एक्सपोर्ट, और ये वीडियो गाइज हमारी गैलरी के अंदर ना सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप गाइज ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ यार किसी ऐसी कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।